रीवा में सिविल लाइन थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क से बारात जा रही थी। बारात की राकेट से ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लग गई है, जिसमें बता दें कि 4 ट्रक ट्रेलर और गुरु नाम क्रेन सर्विस का लाखों का नुकसान हो गया है, सहित ही कई दुकानों पर भीषण आग लग गई है। और स्थानीय जनों ने थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा को सूचना दी है और थाना प्रभारी तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड सहित ही तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही CSP शिवाली चतुर्वेदी मौके पर पहुंची और मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा दमकल वाहनों के साथ ही मौके पर पहुंच गए हैं और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया है। और आगजनी के कारण ही कई टायर दुकानें जल गई हैं, 4 ट्रेलर जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस और नागरिकों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। 10 फायर ब्रिगेड रीवा और BTL गुड़ गोविंदगढ़ से बुलाया गया है, तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर में आग लग गई है और मौके पर पहुंचकर TI साहब ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक बारात सड़क से गुजर रही थी जिसकी आतिशबाजी के दौरान टायर्स में आग लग गई है और जिसे बुझाने के लिए हमने फायर ब्रिगेड बुलाई है और आग पर काबू पा लिया है। करीब 9 से 10 फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया है। अभी तक तो एक ही दुकान का पता चला है हमें, साथ ही 4 ट्रेलर भी जलकर उसमें भी नुकसान हुआ है टायर्स में और आसपास की दुकानों में भी थोड़ा बहुत नुकसान पाया गया है। ट्रेलरों में आग लग गई जी। ट्रेलर में जी ट्रेलर में दो ट्रेलर जी।